स्टार्ट करता हूँ। कल हमने यूनाइटेड नेशंस किया था, आज भी स्टार्टिंग विद इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी इन द ईयर 1944, उसके बाद बना था, जिसके अंदर डिसाइड हुआ था कि जो वर्ल्ड वॉर टू है ना, उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि इकोनॉमिक क्राइसिस आए हुए थे। अब ऐसी कोई चीज फ्यूचर में ना हो, उस चीज को रेगुलेट करने के लिए, उस चीज को कर्टेल करने के लिए इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बनाया गया था, जिसका हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन डीसी के अंदर है, एंड इसके टोटल मेंबर्स एज ऑफ नाउ आर 189। इसके जो मेजर फंक्शंस हैं, सबसे बड़ा इसका मेजर फंक्शन है इंटरनेशनल जो हमारी एक्सचेंज रेट्स हैं, जो इंटरनेशनल करेंसी है उसको मेंटेन करना, ताकि उसको कोई एक्सप्लॉइट ना करे, एंड उसको स्टेबिलाइज रखना, ताकि जितनी भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस हैं, जितनी भी म्यूचुअल ट्रेड है लोग कंट्रीज की आपस में, वो हैम्पर ना हो सके उस वजह से। उसी से रिलेटेड तीन से चार और फंक्शंस हैं इसके। अमंग देम आर सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कि यार पूरी दुनिया में आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी स्ट्रांग रहे, क्योंकि करेंसी रेट आपके सेम रहेगा, स्टेबल रहेगा, तो उससे लोगों की जो ट्रांजेक्शन होगी कंट्रीज की आपस में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा होगा, वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव करेगा, फैसिलिटेट करेगा इंटरनेशनल ट्रेड को। अच्छा, इसके बाद ये फैसिलिटेट करेगा इंटरनेशनल ट्रेड को, फैसिलिटेट किस तरह करेगा, क्योंकि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जब आपकी इंटरनेशनल करेंसीज जो है उनको जब ये रेगुलेट कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो फाइनेंस, उससे आपकी जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो रेगुलेट हो जाएगी, फैसिलिटेट हो जाएगी, ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, ज्यादा उसकी ट्रांजेक्शंस हैं दैट वुड बी मोर कह लें स्टेबल कह लें, राइट। इसी के साथ साथ जब इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस बढ़ेंगी, जब आपकी इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगी, उससे क्या होगा कि आपकी डिमांड बढ़ेगी आपके प्रोडक्ट्स की, उससे क्या होगा कि जो लोकल वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं उनकी के लिए डिमांड, क्या उनको पूरा करने के लिए डोमेस्टिक मार्केट एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ाएगी अपना, ज्यादा लोग को नौकरियां मिलेंगी, ताकि ज्यादा प्रोड्यूस कर सके, ज्यादा हम लोग फिर आगे एक्सपोर्ट कर सके। अच्छा, इसके बाद इसका जो एक और मेजर फंक्शन है, सब ये वन ऑफ द बिगेस्ट फंक्शंस है इसका, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है जो कंट्रीज की, जो कंट्रीज की जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उनको मेंटेन करना। कंट्रीज अगर अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट, अपनी जो प्रॉपर उनका इतने पैसे नहीं है कि अपनी एक्सपोर्ट्स को फंड कर सके, या कुछ सर्टेन अपने जो इंटरनल इश्यूज हैं उनकी जो बैलेंस, उनके जो चेक्स हैं, उनकी जो रिसीट्स हैं गवर्नमेंट्स की, जब वो फुलफिल नहीं हो रही, उन चीजों को बैलेंस आउट करने के लिए कंट्री का चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो उसके ऊपर कंडीशनलिटी क्लॉज लगाए जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमें पाकिस्तान में मिलती है। पाकिस्तान के साथ सबको एग्जाम्पल देता हूँ कि जब जब IMF में जाते हैं, IMF क्या कह रहा होता है बार बार, अपने यार अपनी उसकी बिजली के रेट्स बढ़ाएं, अपने टैक्सेस इंप्रूव करें, अपने जो टैक्स रिकवरीज हैं उनको बेहतर करें। क्यों? क्योंकि ये सब चीज जब आएंगी हमारे पास, वो गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा, तो गवर्नमेंट वुड बी इन अ बेटर पोजीशन कि वो IMF को पे बैक कर सके। सही है। अच्छा, अब इसके साथ साथ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कंडीशनलिटी क्लॉज के। सबसे पहला कि ये गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को काफी हद तक कट डाउन कर देता है, लिमिट कर देता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को। लोकल अवाम के ऊपर जो डोमेस्टिक एरिना के अंदर जो इनके टैक्सेस हैं उनको बढ़ा देता है, जिस तरह वी हैव बीन सीइंग इन द पास्ट। जिस तरह आजकल भी हम देख रहे हैं कि हमारे जो वो टैक्सेस हैं, जो हमारे इवन बिल्स हैं, जो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, इसके अलावा बाकी जो हमारे चीजें ले रहे होते हैं, उन सब के ऊपर जो टैक्सेस बढ़ रहे हैं, वो उसका सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है फॉर द कॉमन मैन, जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे ऑपरेट कर रहा है। सही है। फिर ये एक्स्ट्रा प्रेशर भी बिल्ड करता है ओवर द वीकर इकोनॉमीज। कोई कुछ ऐसी इकोनॉमीज भी होती हैं जो टैक्सेस को बढ़ाना अफोर्ड नहीं कर सकती, एंड अफोर्ड इसलिए नहीं कर सकती, दे नो कि अगर हमने टैक्सेस बढ़ाए तो व्हाट वुड हैपन इज कि जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, जो डिफरेंट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं या तो उनको कट डाउन कर देंगे या कहीं और मूव कर जाएंगे। अब उनको उसी कंट्री में रोकने के लिए उनको सर्टन टैक्स एमिनेस्ट्रीज देनी पड़ती है, उसको टैक्स रिडक्शन देनी पड़ती है उनको रेट्स पे, जो कि वीकर इकोनॉमीज नॉर्मली कर रही होती है। बट जब IMF अपनी कंडीशनलिटी क्लॉज के तहत टैक्सेस बढ़ाने की बात करता है, तो उस तरह तो उस तरह नेगेटिव इंपैक्ट बहुत ज्यादा जा रहा होता है कंट्री के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर। एंड उसी तरह बैलेंस ऑफ पेमेंट्स भी एट टाइम्स इसी के तहत नेगेटिव में जा रही होती है, क्योंकि सारा सारा पैसा जो पेमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्वलाइज करने में, न्यूट्रलाइज करने में कंज्यूम होना चाहिए था, वो यहां पे हो नहीं रहा होता। अच्छा, नुकसान तो है बट उसके साथ ऑब्वियसली उसे कुछ ना कुछ बेनिफिट्स भी हैं हमारे पास, राइट। सबसे पहला बेनिफिट जो आता है ना कंडीशनलिटी क्लॉज का, दैट इज कि वो प्रेशराइज करता है स्टेट्स को कि वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो सके, कि वो अपने रेवेन्यूज इतने जनरेट कर लें कि बाद में IMF के पास उनको आने की जरूरत ना पड़े, जो उनकी इकोनॉमी के लिए एज ए बूस्टर साबित होते हैं काफी बार ऐसे क्लॉजेस। उसके साथ जो काफी लोन्स हैं उनकी कंडीशंस हैं, ये वो कंट्री की जो
बोरोइंग कैपेसिटी है उसको बढ़ा देते हैं। किस लिए? फिर आता है हमारा गवर्नेंस क्राइसिस, कौन कौन सा कि ऑल्दो इसके 189 मेंबर्स हैं, मेंबर कंट्रीज हैं, बट डिस्पाइट दैट कुछ ही फ्यू कंट्रीज हैं जो इसका पूरा का पूरा कंट्रोल है वो एक्सरसाइज कर रही है। अब ये कंट्रीज कौन कौन सी हैं? यूएस एंड काफी यूरोपियन कंट्रीज, फ्रांस एंड यूके इसके अंदर आते हैं, राइट? ये एक्सरसाइज कर रही होती है मेजर कंट्रोल। क्यों? क्योंकि इनकी इकोनॉमीज बहुत बड़ी है, पैसा ज्यादा दे रही होती है। अब ये डायरेक्टली भी इन्फ्लुएंस कर रही होती है, इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस किस तरह करते हैं ये लोग, ये सीनियर मैनेजमेंट और लीडरशिप पोजीशंस जो है ना, ये लोग भी यही कंट्रीज चूज कर रहे होते हैं जो फिर इनके जो ओवरऑल एजेंडा है इनके सर्टेन कंट्रीज का, उसको फुलफिल करते हैं आके ये लोग। सही है। फिर आता है हमारा वर्ल्ड बैंक। अच्छा, वर्ल्ड बैंक आईएमएफ की तरह ही एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जहां पे आपका आईएमएफ कंट्रीज की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए पैसा दे रहा था, वहीं पे वर्ल्ड बैंक कैपिटल प्रोजेक्ट्स जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं। सर आईएमएफ पे क्वेश्चन है, मैं मुझे वर्ल्ड बैंक कंप्लीट करने दें, मैं आपको एक साथ दोनों को, दोनों लिंक्ड है तो एक साथ क्वेश्चंस ले लूंगा मैं। ओके सर, ओके। तो ये कंट्रीज को जो कैपिटल नेचर के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो लॉन्ग टर्म होते हैं, जो पे कंप्लीट ज्यादा टाइम लगेगा, उन चीजों में इन्वेस्टमेंट हो रही होती है। इस ये काम करता है वेटेज फॉर्मूला के ऊपर कि जो कंट्रीज ज्यादा पावरफुल हैं उनके पास इन्फ्लुएंस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो कंट्रीज पूल इन ज्यादा कर रही होती हैं। जिस तरह आईएमएफ का सिस्टम चल रहा था, इसका सिस्टम भी फाइनेंसिस का मोर और लेस सेम ही है। जब वर्ल्ड बैंक है, ये प्रोवाइड करता है असिस्टेंस डेवलपमेंट कॉजेस के लिए। वो आईएमएफ इकोनॉमी के लिए कर रहा था, ये डेवलपमेंट कॉज के लिए कर रहा है। इसके अंदर सबसे बड़ी टेम्पररी लोन्स होते हैं, ताकि लो इनकम कंट्रीज हैं वो, जो लो इनकम कंट्रीज जो कमर्शियली लोन एक्वायर नहीं कर पा रही, जो किसी और जगह के थ्रू लोन एक्वायर नहीं कर पा रही, तो वर्ल्ड बैंक उनको लोन दे रहा होता है कि अपने शॉर्ट टर्म नीड्स जो हैं, जो उनके टेम्पररी इश्यूज हैं, उनको ये कवर अप कर सके। जो वर्ल्ड बैंक का इस टाइम जो सबसे जो गोल स्टार्ट किया हुआ है, दैट इज पॉवर्टी रिडक्शन, जो मेनली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड बाकी सब चीजों के अंदर है। कंट्रीज को पैसे दिए जा रहे हैं ताकि वो उनके जो पॉवर्टी लाइन है उस चीज को ये लोग और ज्यादा थिन कर सकें। एज ऑफ नाउ, सॉरी, एज ऑफ 2018, जो सबसे बड़े जो रिसिपियंट्स है ना वर्ल्ड बैंक के लोन्स के, दैट वाज इंडिया एट $859 मिलियन, एंड उसके बाद चाइना था एट $370 मिलियन। सबसे ज्यादा लोन्स इन दो कंट्रीज ने लिए हुए थे उस साल। करंट फिगर्स मुझे मिले नहीं है इस साल के, वरना मैं डाल देता, मुझे लेटेस्ट फिगर्स यही मिले थे। अच्छा, वर्ल्ड बैंक के ऑब्जेक्टिव क्या है? वर्ल्ड बैंक का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि लिबरलाइज करना, FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करना, कि जो कंट्रीज है आपस में टैरिफ्स ना लगा रही हो, ट्रेड फ्री हो रही हो, ताकि हर कंट्री डेवलप हो सके, उनके ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटीज कम से कम हो जाए, एम्बार्गोस को डिस्करेज करना इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था। दुनिया में से हंगर को रेडिकेट करना, प्राइमरी एजुकेशन, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन अटेन करना पूरी दुनिया के अंदर, जेंडर इक्वालिटी, चाइल्ड मोर्टैलिटी, मेटरनल हेल्थ, इसके अलावा जो बाकी डेंगू, मलेरिया, HIV है, इससे पोलियो, इससे और भी जो लिंक्ड बीमारियां हैं, उन सब चीजों को इरेडिकेट करना भी वर्ल्ड बैंक के ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आता है। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए लोन्स प्रोवाइड करना, ताकि एनवायरमेंटल एनवायरमेंट ज्यादा फिजिबल बन सके, उन वो सब चीजें भी वर्ल्ड बैंक के डोमेन के अंदर फॉल करती हैं। इसकी वर्किंग हिस्ट्री क्या रही है वर्ल्ड बैंक की? वर्ल्ड बैंक ना यूजुअली लोन्स कम देता था, ठीक है, कोई जनरल बेस या सोशल नेचर के लोन्स ना, जो सोशल प्रोजेक्ट्स थे या जो जनरल लोन्स थे, उसके ऊपर वर्ल्ड बैंक ने ना ओवर इट्स पास्ट इसने लोन्स कम दिए। ट्रेडिशनली सेल्फ लिक्विडेशन प्रोजेक्ट्स, ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसके थ्रू वो कंट्री अपने डेट सिचुएशंस को, जो डेट क्राइसिस है उनको ओवरकम कर सके, वैसे लोन्स नॉर्मली प्रोवाइड कर रहा था, ताकि ये लोन्स नहीं देता था, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट को ना न्यूट्रलाइज करने के लिए वर्ल्ड बैंक शुरू में लोन नहीं देता था। बट आफ्टर द 1980s या कह लें 1980s से ही इसने अपनी इस अप्रोच को चेंज किया था, एंड अब ये ज्यादा लोन्स देता है ग्लोबल साउथ को। ग्लोबल साउथ का मतलब क्या है कि जो वो क्या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है उनको, ताकि वो कंट्रीज अपने डेट इश्यूज को रिजॉल्व कर सकें, वो अपनी कंट्रीज को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट कर सकें। वर्ल्ड बैंक के चैलेंजेस कौन कौन से? वर्ल्ड बैंक का सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो उसकी जो फाइनेंशियल नीड्स हैं
जो ग्लोबल साउथ की, उनको कभी भी ये फुलफिल नहीं कर पाया। हमेशा से डिमांड ज्यादा रही है कंट्रीज की, एंड इसके पास इतने फाइनेंसिस नहीं होते कि उन सबको ये फंड कर सके। जो रीपेमेंट है, सबसे बड़ा इशू क्या है कि जो रीपेमेंट होती है ना लोन्स की, ये करेंसी हार्ड करेंसीज के अंदर लेता है। अब क्या होता है कि सपोज मैंने आज अगर एक लोन लिया है, एंड आज डॉलर रेट 100 रुपए था, मुझे इसको 4 साल बाद पे करना है, तो 4 साल बाद ही मैंने $100 ही पे करने हैं। बट व्हाट वुड हैपन, कुछ सर्टेन इंटरेस्ट रेट होगा, बट अगर इंटरेस्ट को निगेट करते हैं, हम प्योरली फैक्ट्स के ऊपर भी बात करते हैं, अगर 4 साल बाद ही मैंने 100 रुपए ही वापस करना है, एंड तब 100 रुपए का जो रेट था डॉलर रेट, दैट वुड हैव क्रॉस्ड 150 रुपीज, राइट? तो अब मैंने जो पैसा पे बैक करना है ना, वो मैंने अपने करंट रेट के हिसाब से करना है, मैंने उसको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रेट मैंने पे करना है। इससे क्या होता है कि जो कंट्रीज हैं उनके ऊपर लोन ओवर द टाइम बढ़ता रहता है, कि पहले जहां पे मुझे 100 रुपए देना था, अब मुझे वहीं पे ही 150 रुपए से ज्यादा पेमेंट करनी पड़ रही है। इसके साथ साथ जो फ्री ट्रेड एंड लिबरलाइजेशन का प्रोजेक्ट, जो ऑब्जेक्टिव था वर्ल्ड बैंक का, वो बेनिफिशियल नहीं है, वो एक्सप्लॉइटेटिव ज्यादा है। क्यों एक्सप्लॉइटेटिव है? क्योंकि जो डेवलप्ड नेशंस हैं, उनकी कैपेसिटी ज्यादा है, उनका मार्केट कैपिटल ज्यादा है, तो जब वो अपने प्रोडक्ट्स को बम्बार्ड करते हैं, जो प्रोजेक्ट अपने क्या नाम प्रोडक्ट्स को मार्केट के अंदर भेजते हैं, जो लोअर इनकम कंट्रीज होती हैं, वो उस चीज को फुलफिल, वो जो गैप मार्केट के अंदर कॉम्पिटिशन के अंदर वो आ नहीं पाती। इससे क्या होता है कि जो वर्ल्ड के अंदर डेट्स हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं, एंड एक साइकिल ये चलता ही रहता है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक की जो रिस्की प्रैक्टिस है लोन्स देने की स्मॉलर फर्म्स को, जो नॉर्मली गवर्नमेंट बैक्ड नहीं होती, वो एक बहुत बड़ा इशू है वर्ल्ड बैंक के लिए। इसके अलावा जो रिचर कंट्रीज था, हमने IMF के अंदर था कि जो अमीर कंट्रीज है, जिनकी इकोनॉमी ज्यादा स्ट्रांग है, उनके पास एक बहुत ऑलमोस्ट डिक्टेटोरियल पावर्स होती हैं, जिस तरह US के पास ऑलमोस्ट वीटो लाइक पावर है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा जो पूल इन करता है जो पैसा, दैट इज US इन द वर्ल्ड बैंक। अच्छा, अब इन दोनों के ऑब्जेक्टिव्स ना आपको मोर और लेस काफी लोगों को कंफ्यूज करते हैं, एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे भी काफी टाइम पहले तक कंफ्यूज कर रहे थे, बट इनके बीच में एक थिन लाइन डिफरेंस है, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आई विल बी टेकिंग योर क्वेश्चंस, राइट? ये दोनों इंस्टीट्यूशंस एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ये एक ही समझ लें कि एक ही साइकिल के दो पहियों की तरह चल रहे होते हैं। जो वर्ल्ड बैंक है वो काम करता है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, या जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है उनके अंदर पॉवर्टी को रिड्यूस करने में, एंड उनकी प्रॉस्पेरिटी को इंक्रीज करने में, एंड वहीं पे IMF स्टेबलाइज करता है इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम को, जो करेंसी रेट्स हैं उनको, एंड वर्ल्ड करेंसी का एज अ मॉनिटर एक अपना पार्ट प्ले कर रहा होता है। ये दोनों ही जब साथ चलते हैं तब भी इंटरनेशनल इकोनॉमी, जो ग्लोबल इकोनॉमी है, वो इम्प्रूव करती है, वो ग्रोथ रेट की तरफ जाती है। वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करता है फाइनेंसेस, एडवाइसेस देता है पॉलिसी ऑन द फाइनेंशियल मैटर्स। मैं वही मैं कह रहा हूँ ना, या तो इंटरेस्ट रेट पे कर रहा होता है या आपको करेंसी रेट के हिसाब से कर रहा होता है, एट टाइम्स दोनों कंडीशंस भी साथ आती हैं। तो ये एम्बार्गो ये होता है, एम्बार्गो आपने एमन मैडम आपने पूछा हुआ, एम्बार्गो का मतलब ये है कि सर्टेन कंट्रीज ना किसी एक दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट्स को नहीं आने दे रही, उनकी शिपमेंट्स को रोक रही होती है। कि मैं एग्जाम्पल हल्की सी एग्जाम्पल देता हूँ आपको, सपोज जब ईरान के ऊपर सैंक्शन लगी हुई थी, तो ईरान के ऊपर ना सैंक्शन लगाने के तहत कंट्रीज को मना किया गया था उससे ट्रेड कम करो या ट्रेड ना के बराबर कर रहे हो, तो उससे क्या होता है कि ओवरऑल कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस डिटोरिएट होना शुरू होती है, क्योंकि इन द करंट वर्ल्ड सारी कंट्रीज की जो इकोनॉमी है इंटरडिपेंडेंट है। सही है? ओके, मैं कर देता हूं। क्वेश्चन ये सर, आपने IMF के बारे में कहा था कि IMF का वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ये भी है कि डेमोक्रेसी को प्रमोट करना है, ठीक है जी। तो वो कंट्रीज जहाँ मोनार्की सिस्टम है या डिक्टेटरशिप है या कोई और ऐसा गवर्नमेंटल सिस्टम है, तो वहाँ डेमोक्रेसी कैसे प्रमोट होगा? देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब ये, अगर सपोज अगर कोई भी कंट्री आपकी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया को हटाएं, उसके अलावा जितनी भी और सीरिया की एग्जांपल ले लें, इराक की ले लें, ईरान की ले लें, इन द करंट वर्ल्ड चाहे वीक ही सही, बट हर किसी का ना सर्टेन जो पार्लियामेंट्री या डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा होता है, उन चीजों के अंदर IMF जब अपनी कंडीशन पे बैक दे रहा होता है ना, पे लोन दे रहा होता है IMF जब, तो IMF यही कह रहा होता है कि आप लोगों की वॉइस को ज्यादा मायने दें या लोगों की आप ज्यादा बात सुने, तो उन चीजों के थ्रू स्लोली एंड ग्रेजुअली डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जा रहा होता है। सही है? वो कंट्रीज जहां लोगों की वॉइस को प्रमोट नहीं किया जाता है या उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाता है, तो क्या IMF के उन कंट्रीज की रिलेशंस रहेंगी?
रहती हैं, मेंबर कंट्रीज तो है ना, क्योंकि वो अपने सर्टेन पोलिन तो कर रही हैं हर साल कुछ सर्टेन चंक, ऑब्जेक्टिव्स को वो कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव हर दफा सारी की सारी कंडीशंस नहीं होती है ना, कंडीशंस कंट्री टू कंट्री टाइम टू टाइम मैटर कर चेंज हो रही होती है, सही है। अच्छा सरमत साहब का सवाल लिखा हुआ है भाई, एक सेकंड, सरमत साहब ने सवाल लिखा हुआ है कि आईएमएफ के हमेशा नेगेटिव लाइन लर्ड ने पोर्ट्रे किया जाता है। देखिए सर, इसको नेगेटिव वे में हमारे पास इसीलिए नॉर्मली पोर्ट्रे किया जा रहा था, क्योंकि टैक्सेस मैंने 50 रुपए पे कर दिए, 50 में पे नहीं कर पाया, मैं कहूंगा ऐसा करूं मुझे 120 रुपए और लोन दे दो, जब मैं 120 रुपए आपसे और लोन दूंगा तो 50 आपको पे बैक करूंगा, 70 रुपए इनडायरेक्टली मेरे पास बचेगा। तो जब लोन से लोन ही पे बैक किया जा रहा था, तो उसको इस तरह से डील किया जा रहा होता है नॉर्मली। ऐसा करते हैं कि आप मुझसे ये सवाल पूछ लें, सुन लें, आप मुझसे ये आखिरी सवाल पूछ लें, उसके बाद जिस जिसका सवाल आता जाता है ना, ट्राई कि वो चैट बॉक्स में लिख ले अपना सवाल, चाहे उर्दू में लिखे चाहे इंग्लिश में लिखे, कोई मसला नहीं है, आप सवाल लिख लें, मैं सवाल पढ़ के ना सबका एक स्ट्रीम लाइन में एक जवाब देता जाऊंगा साथ ही, सही है? यस सर, ठीक है। क्वेश्चन ये था कि वो लिख लिया अपना सवाल, आपने कहा था कि ये जो वर्ल्ड बैंक है और आईएमएफ जो है ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। अब जैसे हमारी पीटीआई की गवर्नमेंट आई है तो हमने काफी हद तक लोन वापस किया है, क्योंकि हर चीज पर टैक्स बढ़ गया है, हर चीज को आप देखें जब से ये हुकूमत आई, और हमने काफी हद तक टैक्स वापस भी किया है, और आईएमएफ जो है उसी करेंसी को मतलब स्ट्रॉन्ग करती है, तो आप देखें कि डॉलर की वैल्यू जो है अब वो 170 को भी क्रॉस कर गया, इससे पहले पीटीआई की गवर्नमेंट से पहले वो 100 तक या समथिंग ऊपर कुछ था, 130 तक था, और अभी 170 को भी क्रॉस कर गया, तो ये कैसे एक दूसरे को स्ट्रेथन कर रहे हैं, इसकी समझ नहीं आ रही कि हम लोग उनका लोन भी वापस करते जा रहे हैं, जैसे अभी आपने कहा ये डेड ट्रैप है एक तरह से, और फिर भी हम लोग इस चीज से निकल ही नहीं रहे, निकल डॉलर की कीमत जो है वो बढ़ती जा रही है। और दूसरी एक और क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था, वो ये था कि आप कह रहे हैं कि जो करंट वैल्यू होती है उसी पे हमने उनको वापस करना होता है, तो लेट सपोज अगर डॉलर की वैल्यू कम हो जाती है या फिर जो उनकी रेट होता है वो कम हो जाता है, तो फिर क्या हमने हो सकता है ज्यादा रेट पे लिया हो, और जब हमने वापस करना हो तो रेट कम हो गया हो, तो फिर भी हमें करंट वैल्यू पे हम वापस करेंगे? ये दो क्वेश्चन थे जी। सबसे पहले आपका दूसरे सवाल का जवाब दे दूं तो यस, अगर वैल्यू कम हो गई तो हम कम वापस करेंगे, सबसे पहली चीज। सेकेंडली जो इसकी आप बात कर रहे हैं ना, कि देखें जब पीटीआई गवर्नमेंट आई थी ना, मैं ये नहीं कहूंगा कि हमने टैक्स हमने कितना वापस दिया है कितना नहीं दिया, क्योंकि ये फिगर्स ना हर कुछ दिनों में तो और बेहतर है। हाँ बोले सर, ये वर्ल्ड बैंक और जो आईएमएफ है इसकी कोई एग्जांपल दे सकते हैं? जिस तरह आपने कहा कि जो वर्ल्ड बैंक है वो बेसिकली इकोनॉमी को डेवलप करने में जो है वो मतलब के फंड्स देता है कि जो इकोनॉमिक यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं, और आईएमएफ जो है वो मॉनिटर करता है, तो हम मतलब कि जो कंट्रीज हैं वो आईएमएफ में इसलिए भी जाते हैं कि वो उनसे एक पॉलिसी लेते हैं कि आप हमारी जो इकोनॉमी उसको इंश्योर करें और हमें पॉलिसीज दें कि हम अपनी कंट्री की इकोनॉमी को जो है वो स्टेबल कर सकें। जी मेनली पॉलिसीज के लिए तो खैर वो सेकेंडरी रीजन है, उसकी वजह से वैसे भी वो आईएमएफ दे रहा होता है, वर्ल्ड बैंक भी एट टाइम्स पे दे रहा होता है। अगर आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि देखिए आजकल का पाकिस्तान ना अपने सर्टेन समझ लें कि इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर है, इसीलिए पाकिस्तान आईएमएफ के पास जा रहा है, क्योंकि आईएमएफ लोन इकोनॉमी के बिहाफ पे दे रहा होता है। इससे पहले मुझे एग्जैक्टली प्रोजेक्ट का नाम याद नहीं आ रहा, बट सिंध के अंदर ना एक डैम बना था, वो डैम तो खैर नहीं बट समझ लें कि एक स्पिलवे टाइप बना था, एक कैनाल टाइप बनाया गया था, जिसको फंड वो कैपिटल नेचर का प्रोजेक्ट था, जिसको फंड किया था वर्ल्ड बैंक ने, ताकि वो जो सी की इंक्लूजन है टूवर्ड्स द लैंड उसको रोका जा सके, जिसकी वजह से पाकिस्तान के पास अवेलेबल लैंड थी वो बढ़ सके या एटलीस्ट जितनी है वहीं पे रुक सके, तो वो वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था। इस तरह के प्रोजेक्ट्स नॉर्मली वर्ल्ड बैंक फंड कर रहा होता है, एंड जो प्योरली इकोनॉमिक टर्म्स के होते हैं उनको नॉर्मली आईएमएफ फंड कर रहा होता है, सही है? सर मेरा एक क्वेश्चन है, एंड में टाइम खत्म होने वाला है, लिख लें, देखें लास्ट कर करके ना 20 मिनट हो गए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जब बनी थी ना, ये 1930s के अंदर जब ग्रेट डिप्रेशन आया था, जिसके वजह से वर्ल्ड वॉर हुई थी, जो हमने लास्ट क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था, उसके बाद में एक स्ट्रांग नीड फील हुई थी कि यार एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो फ्री ट्रेड को प्रमोट कर सके, ताकि जो कंट्रीज आपस में जो ट्रेड कर रही है ना, वो अपने टैक्स जो उनकी ड्यूटीज हैं उनको कर्टेल किया जा सके, कंट्रीज के अंदर फ्री फ्लो ऑफ द प्रोडक्ट्स है ना जो उनको प्रमोट किया जा सके, जिससे क्या होगा कि इंटरनेशनल पूरी ग्लोबल इकोनॉमी एक साथ ही ग्रो करेगी। ये मेजर आइडिया था। इसके तहत ना 1948 के अंदर जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड आया गया था, गैट आया था, 94 तक ये चला है, 94 के अंदर ना इसको थोड़ा सा ट्विक किया गया था,
एंड इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत इसको रिवैम्प किया गया था इन जेनेवा इन 1995, जिसका मेजर मकसद था इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसको मॉनिटर करना। इसने क्या किया, जो बेसिक ट्रेडिंग रूल्स थे उनको रेगुलेट किया, उनकी लीगल कवर उनको दिया एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाया कि आपस में जो कंट्रीज हैं वो ट्रेड किस तरह करेंगी। इसी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ही मोस्ट फेवर्ड नेशन वाला कॉन्सेप्ट दिया था, जिसके तहत कंट्री एक कंट्री दूसरी कंट्री को MFN का स्टेटस देती थी एंड उसके तहत क्या होता था, ये कंट्रीज आपस में जो ट्रेड थी ना एक बहुत ही मिनिमल ड्यूटीज के ऊपर कर रही होती थी, जिससे क्या होता था कि इंटरनल इकोनॉमीज दोनों कंट्रीज की एट द कंपेटिटिव नेचर इंप्रूव होती थी। सही है। इसके मेजर फंक्शंस कौन कौन से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, सबसे पहला नेगोशिएट करना गवर्नमेंट्स के बीच में जितने भी ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, रेजोल्यूशन देना मतलब रिजोल्व करना जितने भी ट्रेड डिस्प्यूट्स होते हैं कंट्रीज के आपस में इंटरनेशनल ट्रेड को। इसकी एक ही एक्सेप्शन है, वो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं जो सर्टेन कंट्रीज आपस में अलग से भी कर रही होती हैं, वरना नॉर्मली MFN स्टेटस डिफरेंट कंट्रीज ने डिफरेंट जगहों पे दिया होता है डिफरेंट कंट्रीज को। इसका नेशनल ट्रीटमेंट रूल है एक, ये प्रोहिबिट करता है कंट्रीज को कि वो डिस्क्रिमिनेटरी प्रोडक्ट्स या जो है ना इम्पोर्ट्स, ये जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको डिस्क्रिमिनेशन ना करें उनको जो बाहर से प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। सपोज पाकिस्तान एक प्रोडक्ट बायर्स भी इंपोर्ट कर रहा है एंड वही पाकिस्तान में भी बना रहा है, तो कंट्रीज को ये रोकता है कि कंट्रीज इंटरनली ऐसी पॉलिसीज ना बनाएं कि वो कंपेटिटिवनेस है जो दोनों प्रोडक्ट्स ही उनको वो हैम्पर कर रही हो, जिससे एट टाइम्स क्या होता है कि जो लोकल इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है, स्पेशली उन कंट्रीज के अंदर जिनकी जो डेवलपिंग स्टेट के अंदर है या फिर जो डेवलप्ड नहीं है। इसका क्रिटिसिज्म कौन कौन सा आ रहा होता है, इसको नॉर्मली एक्यूज किया जाता है कि इससे सोशल गैप्स हैं वो बढ़ा दिए हैं अमीर और गरीब मुल्कों के तहत। किस तरह बढ़ाएंगे, जो अमीर मुल्क है तो ऑलरेडी उनकी एक इकोनॉमी उन्होंने बनाई हुई थी, उनका ऑलरेडी एक इंडस्ट्रियलाइज स्टेटस था, उनकी जो वो थी प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑलरेडी ज्यादा थी। जब उन्होंने WTO के तहत आपस में ट्रेड करना शुरू किया अमीर और गरीब मुल्कों ने, तो जो अमीर कंट्रीज के जो प्रोडक्ट्स थे उन्होंने बम्बार्ड किया लोकल मार्केट्स को जो पुअर कंट्रीज की थी, एंड पुअर कंट्रीज के अंदर जो उनकी इकोनॉमीज थी उसके अंदर उनके जो प्रोडक्ट्स वो कम्पीट नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जनरली या एट अ लार्जर स्केल या किसी एक सर्टेन नेशंस के अंदर जिनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा वीक थी उनकी इकोनॉमी को के अंदर एक बहुत बड़ा सोशल गैप क्रिएट होना स्टार्ट हुआ। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है वो एस्टिमेट करती है कि जो इसने जो ओवरऑल डिस्टॉर्शन है ना कंट्री डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर वो $700 बिलियन से भी ज्यादा किया एनुअली, जो इस चीज के तहत ये एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा होता है। जो मार्टिन कोर है ठीक है वो आर्ग्यू करते हैं कि WTO जो है ना वो मैनेज करता है ग्लोबल इकोनॉमी, वो इम्पार्शली मैनेज नहीं कर रहा होता पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को, इसके जितने सिस्टम हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज को ज्यादा फेवर कर रहे होते हैं। एक जो सिस्टम इसका सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि ऑटोमेटिकली ये डेवलप्ड कंट्रीज ज्यादा फेवर करता है एज कंपेयर टू द स्मॉलर या फिर राइजिंग इकोनॉमीज को। इसके साथ साथ ये जो एब्सेंस है जो लिंक की बिटवीन ट्रेड लेबर एंड एनवायरमेंट, ये तीनों म्यूचुअली साथ चलना चाहिए इनको ताकि पूरी दुनिया एक साथ डेवलप करे। WTO इन तीनों को एक साथ कंसीडर नहीं करता ठीक है। ड्यू टू इंक्रीज प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल फ्री ट्रेड ब्लॉक्स, जिस तरह आसियान है जिस तरह EU है इन द वर्ल्ड, जो WTO की इंपॉर्टेंस है वो ओवर द टाइम कम हुई है। सही, जिस तरह NAFTA है, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये मैं कंप्लीट कर लूं उसके बाद तो जितने भी आपके सवाल हैं आई विल बी टेकिंग दोस। 2001 में बनी थी SCO, ये ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी जिसकी जो बेस थी ठीक है वो यूरो एशियन कंट्रीज के ऊपर थी, आसान जबान में जो मिडल जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी उनके लिए, जिस तरह मेंबर स्टेट शुरू में चाइना, रशिया, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान थे, बाद में पाकिस्तान और इंडिया भी इसके बाद में मेंबर्स बने, उसके अलावा यू कैन डू व्हाट एवर यू वांट। रही बात जो आपको यो क्या नाम है यूगर्स की बात कर रही है, उसका इशू ये है कि पाकिस्तान, क्योंकि अगर पाकिस्तान उसके बारे में बात करता है ना तो चाइना के साथ रिलेशन हमारे खराब होते हैं एंड चाइना के साथ रिलेशन एट दिस पॉइंट इन टाइम हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते।
जी सर। सर इसके अलावा मैंने एक क्वेश्चन रिटर्न में भेजा था कि मतलब वो कौन सा क्राइटेरिया है जिसके ऊपर आईएमएफ जो है वो किसी भी कंट्री को ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में करता है, और अगर वो करता है तो उसके उस कंट्री की इकोनॉमी पे और ट्रेड वगैरह पे क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं? आईएमएफ ना ग्रे लिस्ट या व्हाइट लिस्ट पे नॉर्मली नहीं करता, ये एफएटीएफ वाले कर रहे होते हैं, जिसके तहत वो आजकल हमारा मसला चल रहा है। अगर एफएटीएफ मुझे एंड में क्लासेस बची तो शायद एफएटीएफ करवा दूंगा आपको मैं, तो उसके अंदर वो डिटेल हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है सर, ये कोई अलग से ऑर्गेनाइजेशन एफएटीएफ आईएमएफ से? अलग से, अलग से। सर इसके अलावा एक और क्वेश्चन था कि अब आपने एससीओ में बताया था कि एससीओ में जितने भी कंट्रीज हैं वो मिलिट्री के थ्रू एक दूसरे के साथ ना कोई क्लैश में नहीं आ सकते, तो अब हम अगर चाइना और इंडिया को देखें उनके बॉर्डर सेफ नहीं है, वो दोनों क्लैश में चल रहे हैं, तो हालांकि चाइना ही वो बनाने वाला है, तो यहाँ पर वो कंडीशंस नहीं अप्लाई हो रही उनकी? बता रहा हूँ, मैंने उसमें लिखा हुआ है एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट ना हो, एंड एक्टिव जब डिफाइन कर रहा था एक्टिव साथ मैंने कंटिन्यूस का यूज किया था, छोटे बॉर्डर स्क्रिमिशेस होते रहते हैं, बट एक्टिव का मतलब है कि फुल फ्लेज वॉर स्टार्ट ना हुई। ओके, मोमेंट फुल फ्लेज वॉर स्टार्ट होती है तो सस्पेंड हो जाती है फॉर द टाइम। ओके सर। अच्छा निम्रा मैडम, एक्सक्यूज मी, निम्रा मैडम ने हैंड रेज किया, आप हैंड रेज कर लें, आपका टाइम आएगा पूछ लूंगा। सर मैं अपनी फेलो क्वेश्चन से आगे करना चाह रही थी। जी निम्रा मैडम बोले। सॉरी मैडम सिद्रा, आपकी शायद मैंने म्यूट कर दिया गलती से, इनका पूछ लूं फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा या टाइप कर दें, मैं बता देता हूं। जी निम्रा मैडम बोले। सर मैं पूछ रही थी कि जो आपने कहा था जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्री होती है, मोस्ट जिनके इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, तो वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक में, ये जो जिस जो डेवलपिंग कंट्रीज को ये हेल्प करते हैं ये आईएमएफ वगैरह, तो सर इससे इनको क्या बेनिफिट होता है? जो डेवलप्ड कंट्री होती है इनसे क्या इनकी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है क्या इन्हें, क्योंकि ये तो पैसे ही इन्वेस्ट ही कर रहे हैं, इन्हें रिटर्न तो बाद में किया जाता है फिर बाद में भी। मैडम इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उनका इन्फ्लुएंस है ना पूरी दुनिया पे वो बढ़ जाता है, वो उस सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन। हमने लोन्स पे बात की थी, उन्होंने भी और काफी हैवी अमाउंट्स के लोन थे, तो सर उन्होंने भी तो आखिर कुछ ना कुछ अपने स्टेट में कुछ तब्दीलियां लाई हैं, रिहैबिलिटेशन की हैं, तो हम भी तो वो रिफॉर्म्स ला सकते हैं कि हम भी उस चीज से निकल आए। मैडम ला सकते हैं, होने को ना कुछ भी हो सकता है, मसला ये है कि हमारे पास ना इन द लॉन्गर रन कोई एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट रहती नहीं है। जब एक गवर्नमेंट ज्यादा टाइम तक नहीं रहती तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि आपकी जो पॉलिसीज हैं वो इन द लॉन्गर रन सस्टेन नहीं करती, जिसकी वजह से हम इन सब गोल्स को वापस शुरू से स्टार्ट कर रहे हो। सही है? ओके सर। अच्छा आपने जो आईएमएफ के रिलेटेड सवाल मुझसे पूछे थे ना किस टाइप के आ सकते हैं, उसमें सबसे बड़ा जो सवाल जो मुझे लगता है ना जो इस साल आ सकता है, ऑल्दो ये बहुत अर्ली है कहना, दिसंबर में जाके आई वुड बी इन अ बेटर पोजीशन आपको बताने की कौन कौन से सवाल आ सकते हैं, बट अगर मेरे हिसाब से अगर आएगा तो ये आएगा कि पाकिस्तान आईएमएफ में अगर जाता है, अगर जा रहा है तो पाकिस्तान को क्यों जाना चाहिए एंड क्यों नहीं जाना चाहिए, अगर जाता है तो कौन से फायदे हैं, कौन से नुकसान आते हैं, कौन से चैलेंजेस हैं, एंड उसके ओवरऑल इम्प्लीकेशंस हमारी इकोनॉमी पे क्या आएंगी, उन सब चीजों से रिलेटेड सवाल आ सकते हैं। चाहिए? अच्छा जी एहसान साहब आपने हैंड रेज किया हुआ है। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर हम लोग जब देखते हैं ये करंट अफेयर्स को, तो क्या हम इन जो कंट्रीज हैं जैसे कि यूएसए या इजराइल यानी इस तरह के काम कर रहे हैं, तो क्या हम इन्हें क्रिटिसाइज कर सकते हैं या इन्हें क्रिटिसाइज करना यानी गलत होगा प्रकृति? आपकी आवाज थोड़ी बीच में से थोड़ी सी समझ में नहीं आई, वापस बोले किन को क्रिटिसाइज कर सकते हैं हम लोग? हम जानते हैं कि अब जो यूएस है वो कर रहा है इसराइल की फेवर में जा रहा है और पैलेस्टाइन वो यानी उसके खिलाफ जा रहा है, अब क्या हम इस बात को अपने यहाँ जब करंट अफेयर लिखेंगे तो उसमें क्रिटिसाइज कर सकते हैं अमेरिका की बात को या नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं, आपने सिर्फ दो चीजों का अगेंस्ट नहीं जाना, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड अगेंस्ट द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, इसके अलावा जो चाहे कर रहे हैं पेपर में कोई इशू नहीं है, एज फार एज यू कैन जस्टिफाई दैट। Yes. सही है। आखिरी सवाल जो हैंड्रेस किया हुआ आखिर मैडम आपने, शायमा मैडम जी आप कर लें तो फिर हम क्लास करते हैं।
सर मेरा क्वेश्चन है, मैं मुझे बेसिकली एक छोटी सी शॉर्ट सी कंफ्यूजन है, वो ये है कि आज हमने जो ये 4 टॉपिक्स पढ़े हैं इन सबको जो है कुल मुअम्मा जिसको कहना चाहिए, बॉटम लाइन ये है कि ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये डेवलप हुई थी फॉर द सोशल सिक्योरिटी पीस इन चीजों के लिए, बट देयर लेवल्स वर डिफरेंट ऑन रीजनल लेवल, इकोनॉमिक लेवल, डेवलपमेंट नेशन लेवल एंड स्टेट लेवल. इज दैट सो? यस. चलें, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज. इंशाल्लाह अगर कल क्लास हुई तो वी विल मीट अगेन.